इंडियन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हिंगनघाट शहर के कुल 14 प्रभागों में विभिन्न स्थानों पर 1,78,00,000 रुपए की निधि से सड़क विकास कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इन सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन विधान परिषद सदस्य विधायक डॉक्टर रामदास अम्बेडकर के शुभ हाथों से संपन्न हुआ। इसमें शहर के विभिन्न 14 प्रभागों की सड़कों का भूमि पूजन किया गया। इन 14 प्रभागों में भूमि पूजन समारोह के अवसर पर आए विधायक डॉक्टर रामदास अम्बेडकर ने नागरिकों की जरूरतों को पहचाना और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। 22 अक्टूबर को विधान परिषद विधायक डॉक्टर रामदास अम्बेडकर के तत्वाधान में हिंगनघाट शहर के न्यू यशवंत नगर से इस भूमि पूजन समारोह की शुरुआत की गई। इसके लिए विधान परिषद विधायक डॉक्टर अम्बेडकर ने सड़क विकास के लिए 1,78,00,000 रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशोर दीघे, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश ठाकुर, शहर अध्यक्ष भूषण पी से, बीजेपी के सुभाष कुंटेवार, पूर्व नगर सेविका छाया सातपुते, सामाजिक कार्यकर्ता दीवा पडोले, कैलाश भोयर, संजय मगर, नितिन माड़ीवार और शहर के कई गणमान्य लोग इस वक्त इस भूमि पूजन के लिए उपस्थित रहे। 1,78,00,000 भूमि पूजनाचे कार्यक्रम नियोजित प्रमाणे चाललेले आहे। सरकारच्या ज्या विकासाची कल्पना आहे त्यामुळे खेड्यापाड्या गल्लोगल्ली अशा प्रकारच्या विकासाची कामे चाललेली आहेत आणि आता खरं म्हणजे लोकांना सुद्धा वाटते की हे विकासाचे कामं पुढे गेली पाहिजे। त्यातही छोट्या मोठ्या विषयामध्ये लोक आज मार्गदर्शनही करतात आणि सांगतात। त्यामुळं ह्या विकासाच्या कामाचा आत्ता जो शुभारंभ झाला हा हिंगनघाट शहरापुरताच नाही आहे तर पूर्ण माझ्या तीनही क्षेत्रात म्हणजे वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या सर्व ठिकाणी विकासाची कामं चाललेली आहे। वेगवेगळ्या फंडातून वेगवेगळी कामं चाललेली आहेत आणि मला असं वाटतं की समीर भाऊ पुनावारी इथे मोठं काम करतात आणि आज शहराचंही रूप बदलायला लागलेलं आहे। त्यामुळं सर्वांनी मिळून एक साथ कामं केली तर मला असं वाटतं हिंगनघाट शहर आणि लोकांकडूनही आम्हाला अपेक्षा आहे की लोकांनी या सर्व विकासाच्या कामात साथ दिली पाहिजे। त्यामुळं या शक्ती पर्वाच्या उपासनेच्या काळामध्ये सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, नवरात्री उत्सवाच्या शुभेच्छा आणि येणाऱ्या दिवाळीच्या पण शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनौरकर की रिपोर्ट। नगर परिषद के सामने बाजार क्षेत्र में आग लग गई। नगर परिषद अग्निशमन विभाग की 3 दमकलें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का काम शुरू हो गया है। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची जिनमें तिरोड़ा और गोरेगांव से 1-1 और नगर परिषद गोंदिया से 5 दमकल गाड़ियां हैं। आग पर काबू पा लिया गया। जय भोले होटल के पास चना मूरा लाइन गोंदिया। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। स्वर्गीय ममता वर्मा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित चित्रांश अकेडमी में 21 अक्टूबर को नवरात्रि उत्सव राज गरबा समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर मां दुर्गा की आरती की गई। इस अवसर पर कक्षा पहली से 10वीं तक के सभी छात्र और छात्राओं ने राज गरबा में भाग लिया। गरबा नृत्य द्वारा बच्चों में भक्ति, ऊर्जा व आनंद का संचार देखा गया। विद्यालय की संचालिका गीता आशीष वर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन व महत्व विवेक बंसोड़ सर ने दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य पारिजात विश्वास, शिक्षक कर और कर्मचारी इन्होंने भी नवरात्रि उत्सव में मां दुर्गा देवी की पूजा कर राज गरबा में भाग लेकर यह कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया जिले में इस समय शारदीय नवरात्रि उत्सव चल रहा है और गोंदिया शहर में पिछले 83 वर्षों से बंगाली शारदीय दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। बंगाली दुर्गा की स्थापना की जाती है और पंचमी के दिन इस बंगाली दुर्गा की स्थापना की जाती है और दशमी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। जिले के गोंदिया शहर में इस बंगाली दुर्गा को स्थापित करने के लिए विशेष तौर पर कोलकाता से घंटी बजाने वाले बुलाए जाते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में भक्त इस बंगाली दुर्गा के सामने गरबा खेलते नजर आते हैं। इस बंगाली दुर्गा के एक दर्शन हमारी दुर्गा पूजा पंचमी के दिन बैठती है और ये जो सार्वजनिक बंगाली एसोसिएशन का जो पूजा है इसको 83 साल हो रहे और ये सब मेरे साथी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, मैं भी हूँ और 83 साल है पंचमी के दिन बैठते हैं और जैसा सब लोग दसवीं को विसर्जन करते हमारा भी विसर्जन दसवीं को होता है। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है। हम 5 दिन भोग खिलाते हैं, शाम को भी आरती होती है, पूजा अर्चना जैसी होती सब। ये प्रथा है बंगालियों की कि हम पंचमी के दिन से बिठाते, जैसे यहाँ शारदा बिठाते
हम इसको नवदुर्गा शारदा भी बोल सकते हैं, तो हम पंचमी से ही बैठाते, बंगाल में पंचमी से ही बैठाया जाता है, पांच दिन की बैठा। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।